मेरा ड्यूटी वाला भाई जा रहा भाई। ओ मैन ड्यूटी निकल गया भाई। एंड ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है। NS 200 है यहाँ पे। ड्यूटी 50 निकल गया भाई। ड्यूटी 50 निकल गया है। मजा आया। बट लॉन्चिंग यू हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। आज को रेड लाइन करके और बाइक भाई कैसा मजा आ गया। मजा आ गया। हाँ तो भाई मजा आना मतलब चाहिए। कोई चीज एक बार पहली बार होता है बहुत मजा आता है वैसे वाला चीज। समझ रहे हो ना। हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जेआरवी डीजी पर। वेलकम टू माई फ्रेश न्यू वीडियो। तो भाई लोग आज को आई थिंक आप देख ही पाओगे शाम का माहौल है और हमारा श्री दुर्गापुर में बहुत दिन से बारिश हो रहा है तो ऐसा ही कुछ सीन है। तो फिलहाल अभी जस्ट थोड़ा सा निकले हमारा सिटी में। इनफैक्ट मेरा यहाँ पे देख पाओगे ड्यूक 250 वाला फ्रेंड है। मस्ती मजा करते करते धीरे धीरे करके आराम से राइड एंजॉय करते हुए जाएंगे और हाईवे में भी जाएंगे। और आप लोग थोड़ा सा मेरा व्लॉग को लव सपोर्ट दो क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है वीडियोज़ बनाने में एंड इसीलिए तब वीडियोस आ पा रहे हैं। एंड देखो स्पेशली सिटी का अंदर में अगर रोड्स में आपको डॉग दिखे तो ऐसे तो भाई ध्यान से स्पीड स्लो करके निकलो क्योंकि रिस्की सिचुएशन हो सकता है भाई। तो सो फार सो गुड। एंड तो अगर आपको मेरा चैनल का वीडियो पसंद आ रहा था गाइस प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ताकि आपको मेरे चैनल का लेटेस्ट वीडियोज़ एंड नोटिफिकेशन कंटिन्यूसली मिलता रहे। एंड वो दूर में भाई खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है भाई, जबरदस्त सनसेट हो रहा है। तो ऐसा ही कुछ सीन है। थोड़ा सा हाईवे में जाते हैं, थोड़ा सा बाइक को उड़ाया जाए क्योंकि भाई बाइकर्स है। अगर बाइक को ना उड़ाए हाईवे पे, अगर बाइक को ना भगाए तो भाई क्या चीज़ का बाइकर राइडर भाई। और स्पेशली हमारा श्री दुर्गापुर में उतना मतलब कोई हाईवे उतना खाली रहता नहीं है, बस एक दो पैच है रोड का एटलीस्ट 2 से 3 किलोमीटर का, बहुत क्लियर रहता है तो वहीं पर थोड़ा मस्ती कर लिया जाता है। NS 200 BS4 और Duke 250 BS6 है तो दोनों का कंपैरिजन टेस्ट लेंगे, परफॉर्मेंस में भी लेंगे और राइड भी ले लेंगे। तो फिलहाल देख सकते हो हाईवे पे आया तो क्योंकि हाईवे थोड़ा सेफ होता है एंड उसके बाद ही बिन्स देंगे। ट्रैफिक्स क्लियर फास्ट। वेट दारी जा ट्रैफिक्स नॉट क्लियर। ऑफ कर दे बेकार एक टू। सो भाई देख सकते हो हाईवे में थोड़ा सा बाइक भगाने के लिए आते हैं लेकिन भाई रोड से क्लियर वैसा नहीं मिलता है। तो Duke 250 वाला भाई भाई पूरा जबरदस्त तरीके से भाग रहा भाई। नहीं भाई Duke 250 का पावर नेक्स्ट लेवल का है लेकिन चलाने के मामले में मजा आता है भाई। तो फिलहाल भाई क्रेजी सीन्स एंड मैन। तो फिलहाल जाते हैं बाइक में थोड़ा सा फ्यूल अप करते हैं क्योंकि फ्यूल अप करना जरूरी है, उसके बाद थोड़ा सा बाइक को भगाया जाएगा और मस्ती किया जाएगा भाई। तो भाई अगर ऐसे कोई कुत्ता भाग गया तो रुक जाना चाहिए। शाम देखो यार, ब्यूटीफुल सा रोड, ब्यूटीफुल सनसेट एंड परफेक्ट डेली लाइट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ब्रो दिस ट्रक गॉन। वेट तो भाई देख सकते हो Duke 250 को टक्कर देंगे NS 200। तो देखते हैं कितना पास जाता है। बेबी लाइक पुल। फिलहाल Duke 250 का पावर भी तो ज़्यादा है ना भाई, तो उस लेवल से उसको टक्कर नहीं दे पाएंगे लेकिन जो भी है सही है भाई। फिलहाल मज़ा आ रहा है भाई, जो भी बोलो मज़ा आ रहा है। राइड में मज़ा आते रहना चाहिए एंड लाइफ में मस्ती करते रहना चाहिए कि इसी का एक्चुअल फन है। तो चलो आ जाओ भाई लोग। थोड़ा सा देखो आज को थोड़ा सा रोड्स बिजी है तो उतना अच्छा से रेड लाइन हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो जो भी है सही है। अगर रोड थोड़ा सामने क्लियर मिलता है जो हम लोग बांसकोबा टोल टैक्स तक जाएंगे, अगर रोड थोड़ा क्लियर मिले तो वहाँ पे थोड़ा रेड लाइन कर दिया जाएगा। तो फिलहाल देख सकते ड्यूटी रेस हो गया।
तो फिलहाल हम लोग भागे हैं भाई ड्यूटी से। अब देखते हैं ड्यूटी कितना देर हमें टक्कर दे पाता है। दिख ही नहीं रहा मेरा दोस्त भाई कहाँ पे है पता नहीं भाई। देख सकते हो रेस स्टार्ट होगा, ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपियर। मेरा दोस्त आज इतना धीरे भाई क्यों चला रहा है यार। मे भी भाई कुछ टायर का इशूज है कि क्या है पता नहीं। ब्रो सो पुल द बाइक बीन राइट गियर। क्रेजी रो सीन मैन क्रेजी सीन भाई कते ही जहर आ गया। फिलहाल देख पाओगे ड्यूक 50 वाला दोस्त फुल जोश में जा रहा भाई। अल्टीमेट सीन भाई अल्टीमेट सीन फुल मजा आ गया भाई पूरा तबाही सीन था भाई। तो थोड़ा सा A few moments later. तो फिलहाल भाई ऐसा कुछ सीन था और फिलहाल भाई से पूछते हैं कि कैसा क्या मतलब कैसा क्या स्पीड उसने अटेन किया है। तो एक बार पूछ लेते हैं भाई से। लेकिन भाई ड्यूक ट्यूटी वाला भाई ने लास्ट में अच्छा टक्कर दिया भाई। तो क्रेजी सीन्स था तो आई थिंक आप देख पाओगे सब कुछ वीडियो में। तो फिलहाल अभी मेरे पास ही गोप्रो है, वो भाई के पास गोप्रो नहीं है। तो क्रेजी सीन्स है एंड ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है। NS200 है यहाँ पे, ड्यूक 250 है। तो भाई व्हाट वाज योर टॉप स्पीड? आई थिंक ऑलमोस्ट 140। माइन वाज स्पीड एरर ऑलमोस्ट 153। बट द डिस्टेंस वाज जस्ट लाइक दिस मच ओनली। एकदम पिछोने छिलाम भाई, छोड़ दिया बे। हाँ जो भी हो मजा आया और एक अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, लास्ट स्ट्रेच हम लोग का आज का दिन के लिए। तो थोड़ा सा ट्रैफिक क्लियर होने देते हैं। हाँ तो वो दिक्कत करता है। तो फिलहाल देख सकते हो सेफ्टी गियर्स के साथ ऑलमोस्ट SMK का हेलमेट पहन के भाई हम लोग ड्रैग रेस करते हैं या थोड़ा भी जो भी राइड करते हैं। और एक सामने हमारा दुर्गापुर का DVC रोड है जो कि एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, लेकिन जो भी है हम लोग सही से अगर चलाएं तो भाई बाइक का स्पीड अटेंड कर सकते हैं वहाँ पे। तो आज को देखते हैं ऑफकोर्स भाई, आज को ये भाई बहुत अच्छा से शिफ्ट कर रहा है। पिछला वीडियो में मेरे से हार गया था लेकिन इस वीडियो में वो खतरनाक तरीके से शिफ्ट कर रहा है। ऑफकोर्स भाई 30 BHP 24 BHP तो 6 BHP का डिफरेंस है। तो सो फार सो गुड, थोड़ा ट्रैफिक क्लियर होने देते हैं फिर हाईवे में चलते हैं भाई। ऑलमोस्ट हाईवे क्लियर है, क्लियर। अरे बेरो भाई ड्यूक ट्यूटी निकल गया भाई, गलती हो गया थोड़ा सा शिफ्टिंग में यार, बट पकड़ लेंगे आई थिंक NS200 पकड़ लेगा। ड्यूक 50 निकल गया भाई, ड्यूक 50 निकल गया है। लिटरली मजा आ गया, लेकिन ड्यूक 50 ने बहुत तगड़ा शिफ्ट किया था भाई, बहुत तगड़ा शिफ्ट किया था उसने। एक बार देखते हैं भाई कहाँ पे है। तो भाई वहाँ पे चला गया था
जो भी है सही है। एंड फिलहाल देखो भाई आ रहा है तो भाई से पूछते कि कैसा क्या रिस्पॉन्स था, लेकिन जो भी बोलो अच्छा टक्कर दिया मैंने। आरपीएम हिट कर दी थी हमार पूरा लिमिट ले गया बार बार की पहले तू तू ठीक अरे प्रथम बार आता आरपीएम उठा चिटी बार 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 लिमिट चल रहा है ना তখন তুই তার জাস্ট 100 আরপিএম আগে তোকে শিফট করতে আমার লাস্টে শিফটিং চরম ছিল যখন আমি পুরো টাপ ডাউন করছিলাম হ্যাঁ শিফট মানে এমন হয় যে খুব তো ক্লাচলেস গো ফর ক্লাচলেস আপ শিফট বাট মজা আয়া বাট লঞ্চিং ইউ হ্যাভ ইমপ্রুভড আ লট। तो भाई देख सकते हो तो ऐसे ही भाई Duke 250 वाला भाई लॉन्चिंग बहुत इंप्रूव कर दिया है। A few moments later. तो एक चीज आप लोग से मिलवाता हूँ, तो फिलहाल देख पाओगे मेरा भाई है Duke 250 वाला, तो एक चीज बोलना चाहूंगा भाई आज को रेड लाइन करके बाइक भाड़ा कैसा मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ तो भाई मजा आना चाहिए, कोई चीज एक बार पहली बार होता है बहुत मजा आता है वैसे वाला चीज। हाँ समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। हाँ तो भाई ऐसा मतलब ऐसा कभी नहीं किया और आज मतलब तो ये लाइफ में फर्स्ट टाइम ही होगा, और जिस दिन हम लोग लाइफ में 299 टच करेंगे उस दिन मजा आएगा। तो उसके लिए भाई आप लोगों का सपोर्ट और प्यार चाहिए। और फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक रखता है, फिलहाल इस पार्ट का वीडियो यहीं तक रखता है, अगर आगे कुछ जरूर करते हैं तो जरूर दिखाएंगे। सो फार सो गुड, एंड चलो मिलते हैं लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो में। चीज दिखाना चाहूंगा, देखो ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है, एंड जूम करके भी आई थिंक आपको देखने को मिला होगा, तो ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है एंड फील्ड में चारों साइड सब बच्चे लोग खेल रहे हैं एंड मस्त भाई व्यू लग रहा है। तो फिलहाल अभी वाइड एंगल पे शूट कर रहे हैं और फिलहाल देख सकते हो हमारा एक सबसे लॉयल क्रिएचर हमारा दुनिया का मिल गया। तो देखो भाई, तो देखो सबसे लॉयल क्रिएचर जो होता है भाई वो हमें मिल चुका है। तो फिलहाल ऐसा कुछ सीन है एंड यहाँ पे देख पाओगे Duke 250 है और NS 200 है, तो फिलहाल हमारा बेबी लाइट है और उसका Duke 250 है, तो फिलहाल फ्रेंड भी यहाँ पे है। तो फिलहाल सब कुछ सही है और आप लोग एक चीज बोलूंगा थोड़ा सा लव सपोर्ट दिखाओ एंड फिर जाके वीडियोस अच्छा बनेगा। और फिलहाल मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ, और फिलहाल अभी पिछले दिन जो दो वीडियोस दिया हूँ स्पेशली Suzuki Gixxer के, मतलब बोला जाता है Suzuki V-Storm 250 के साथ और NS का जो ड्रैग रेस था उस पर थोड़ा लव सपोर्ट दिखाओ एंड थोड़ा बच्चे लोग भी मिल गए थे, तो मैंने कोई स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं किया भाई, मैं जा रहा था अचानक मुझे वहाँ पे मिल गया, तो ऐसा कुछ सीन था तो मैंने वो आप लोगों से शेयर कर दिया। तो सो फार सो गुड एंड अगर आगे वीडियो में कुछ दिखाने को मिलता तो जरूर दिखाते भाई।